अनूपपुर जिले से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक डॉक्टर ने एक मासूम की जान ले ली। बताया जा रहा है कि 3.5 महीने की मासूम बच्ची को निमोनिया था। उसे जैतहरी के शासकीय चिकित्सालय में ले जाया गया जहां पर डॉक्टर उपस्थित नहीं थे। तब वहां से डॉक्टर वीरेंद्र खेश केवी केयर अस्पताल में एडमिट कर पाया गया। इस दौरान जहां बच्ची के इलाज के दौरान लापरवाही बरतने से बच्ची की जान चली गई। पूरा मामला अनूपपुर केवी केयर हॉस्पिटल का है जहां निमोनिया से पीड़ित बच्ची की हालत में सुधार आया। इस बीच चिकित्सक ने परिजनों से फिलहाल में अचानक कुछ खिलाने पिलाने से मना कर दिया। वहीं भूख से तड़पती बच्ची को शांत करने के लिए डॉक्टर ने बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया ताकि बच्ची सो जाए, लेकिन लापरवाही बरतने से बच्ची की मौत हो गई। वहीं अस्पताल प्रबंधन मामले से बचने के लिए परिजनों को वेंटिलेटर न होने का हवाला देकर किसी दूसरे अस्पताल ले जाने को कह दिया। परिजनों ने भी स्वास्थ्य बिगड़ता देख डॉक्टर की बात मान ली और दूसरे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां बच्ची को मृत घोषित पाया। देखने वाली बात होगी कि मामले को लेकर कार्रवाई कब तक होगी। फिलहाल पूरे मामले पर परिजन, चिकित्सक और मुख्य स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी का क्या कुछ कहना है, सुनिए। फिर उसके बाद क्या हुआ जो आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल चले आए? और जल्दी से रिफर कर दिए, बच्ची भी बेहोश हो गई थी। मैडम बोली कि नर्स बोली? नहीं, उनका नाम नहीं जानती। डॉक्टर सांस ले रही थी, फड़फड़ा रही थी दूध पीने के लिए, एकदम से इधर से उधर लात पैर मार रही थी, तो उसको सुलाने के लिए बेहोशी के इंजेक्शन लगा दिए। कौन लगा बेहोशी के इंजेक्शन? डॉक्टर साहब ऑर्डर मारे नर्स को, बेहोशी के इंजेक्शन लगा दो, बेहोशी के इंजेक्शन लगा दो। बेहोशी के इंजेक्शन लगाए, बच्ची वहीं पास से सुन हो गई, वहाँ पास से बेहोश, वहीं पास से सांस बंद हो गई, वहाँ से फिर बोले कि यहाँ ले जाओ। नहीं नहीं, क्या है, ये कहना गलत है। बच्ची जिस हालत में आई थी 4-5-7 दिन से उसकी तबीयत खराब थी। अब उनका कहना है तो कल से तबीयत खराब थी? कल से नहीं थी, तो बहुत पहले से तबीयत खराब थी। वहाँ कोई डॉक्टर दिवेदी को दिखा रहे थे जतरी, ठीक है, बहुत ज़्यादा रस उसका सांस बढ़ा हुआ था। तो अपन क्या कहते हैं, वायरल निमोनिया क्या होता है, वायरल लोड बहुत ज़्यादा था उसको, बिल्कुल ज़्यादा पसली धंसना, सांस का ज़्यादा चलना, ऐसा था। मेरे यहाँ आई थी तो वो 94-90 लोअर साइड में जा रही थी, ऑक्सीजन लगा के वो 94-97 तक जा रही, ठीक है, वो अच्छा चल रहा था, अच्छा चल रहा था। फिर उसके बाद मैंने उनको पहले ही सब समझा दिया था कि कुछ भी ऐसा होगा, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसको जिला अस्पताल में शिफ्ट करूँ, क्योंकि मेरे पास वेंटिलेटर सीपैप नहीं है। ये मेरे संज्ञान में आया है, मानिकपुर का केस है, अभी इन्होंने जो बताया है उनसे एक मैं आवेदन ले रहा हूँ जिसमें ये सारी हमको डिटेल्स लिख के दें, कब कहाँ गए, कितने पैसे दिए, और अगर ड्यूटी आवर्स में अपने घर पर प्रैक्टिस करते पाए जाएंगे बिल्कुल सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। किसी भी डॉक्टर को ऐसे नहीं बख्शा जाएगा कि किसी भी मरीज के साथ जानबूझकर और पैसे के लिए करे और अस्पताल समय को उपयोग घर में करे। ये हमको डिटेल्स दे दें, अभी चूँकि इनके घर में ऐसी घटना हुई है, ये जब चाहे हमें दे दें, हम जांच करा के उचित कार्रवाई जरूर करें।